अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ईरानी गोल चादर की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरी ये तैयार ईरानी गोल चादर है। इस चादर को बनाने के लिए 3.5 से 4 गज का कपड़ा रिक्वायर्ड होता है। 3.5 से 4 गज के कपड़े में बासानी ये चादर बन जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ मेजरमेंट्स शेयर की हैं। आपको 2 मेजरमेंट्स चाहिए होंगी, एक फ्रंट से नीचे फीट तक और एक बैक पार्ट की। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके नीचे बिछा लिया है। उसके ऊपर अपनी मैंने चादर बिछा ली है, गोल चादर। चादर को अच्छी तरह से बिछाने के बाद, उसकी सिलवटें दूर करने के बाद हमें इसको इस तरह से रख लेना है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो आप देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम उसको कट करके अलहदा कर लेंगे। ये देखिए, गोलाई देते हुए हमने नीचे से फैब्रिक को अलहदा कर लिया है। क्योंकि इस कपड़े का अर्थ ज्यादा था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बैक पार्ट में कपड़ा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम उसको किस तरह से बैक पार्ट में ऐड करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये देखें, हमारा बस इतना सा कपड़ा कम पड़ा है। तकरीबन ये 8 से 9 इंच का कपड़ा है जो हमें रिक्वायर्ड होगा हमें बैक पार्ट के अंदर ऐड करने के लिए। तो हमने इसको किस तरह से ऐड करना है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी नीचे की कटिंग बची थी, उसको हमने ले लेना है। हमने दोनों हिस्सों को लेना है और उसको अच्छी तरह से अलाइन कर लेना है। कपड़े को अच्छे तरीके से बिछाने के बाद हमने उसको इस तरीके से रखना है और ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है। इन दोनों हिस्सों को हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। एक पैर की सिलाई लगानी है हमने सीधी सीधी और इन दोनों हिस्सों को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको चादर के गोलाई वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, डबल फोल्ड करके, और इन दोनों हिस्सों को इस तरीके से अलाइन कर लेंगे। चादर के ऊपर हम सेंटर मार्क करेंगे चॉक की मदद से और कट भी लगा लेंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो। और जो हमने पिछला हिस्सा जोड़ा था, उसको और अपनी चादर को एक दूसरे पर अलाइन करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों सेंटर्स को हमने अलाइन करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की हम सीधी सीधी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने चादर के ऊपर सेंटर मार्क किया हुआ है। ये हमारे दो हिस्से जो हमने जोड़े थे वो हैं। इन दोनों हिस्सों को हमने अलाइन करना है। और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा ली। सिलाई करते वक्त हमने कपड़े को ज्यादा नहीं खींचना, वरना इसमें झोल आएगा। एक तरफ से जोड़ने के बाद बिल्कुल हम इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी जोड़ लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इसको इसी तरीके से जोड़ लेना है। आप चाहें तो एक साथ ही कपड़े के ऊपर पिन्स पहले लगा लें, उसके बाद सीधी सीधी सिलाई कर लें, जैसे आपको आसानी हो। अगर आपके कपड़े से धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हों तो इसको ओवरलॉक करना ना भूलें, नीट लुक देने के लिए। दूसरी तरफ से भी मैंने इसको इसी तरीके से जोड़ लिया है। अब चादर को हमने दोबारा डबल फोल्ड करके बिछाना है, उसके ऊपर अपनी तैयार चादर रखनी है। अब पिछले हिस्से को हम गोलाई देंगे। जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा इसमें ऐड किया है, उसको भी हम गोलाई दे लेंगे इस तरीके से। अब बस हम एक स्टेप दूर हैं इस चादर को तैयार करने में। सबसे लास्ट में हमने अब क्या करना है कि इसके नीचे की तरफ हम लोग बारीक तुरपाई कर लेंगे। चादर की गोलाई में हम इस तरीके से बारीक बारीक कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई
की तुरपाई कर लेंगे। यहाँ तुरपाई करने के लिए मैंने जिगजैग स्टिच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गोलाई वाले हिस्से के ऊपर सिलाई करके मोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके को अपनाते हुए भी उसको बारीक मोड़ सकती हैं, वरना बाजार से पीको करवा लें। फ्रंट पार्ट के ऊपर भी मैंने इस तरह सिलाई कर ली है। ये हमारी चादर का लुक और हमारी ईरानी चादर तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।